अस्सलाम वालेकुम हाउ इज़ एवरीबॉडी माय नेम इज़ उमर रसूल डायरेक्टर जनरल सिविल सर्विसेज एकेडमी बहुत अरसे से आई जस्ट वांटेड टू रिकॉर्ड दिस इनफॉर्मल मैसेज फॉर ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हु वांट टू अपीयर फॉर द सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्जामिनेशन बहुत से दोस्तों ने सीनियर्स ने माई पीयर्स स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर आप डी जी हैं सिविल सर्विस अकेडमी के आप कोई सी एस एस जो क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए भी कोई मैसेज दें आप लोगों को तो ट्रेन करते हैं कि वो किस जहन के साथ कैसे सी एस एस करने की तैयारी करें तो उसके बारे में आपके साथ मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ अगर सिविल सर्विस में आना है नौकरी के लिए नहीं आना इसमें पैसा नहीं है इसमें पैसा नहीं कमा सकते आप पैसा कम है ये पब्लिक सर्विस है आपको किसी जज्बे से किसी पैशन के लिए या कुछ करने के लिए आना है अगर आप में ये पैशन नहीं है तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ खुदा के वास्ते यहाँ आने की ट्राई ना करें आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और पूरी आवाम का पूरे मुल्क का टाइम वेस्ट करेंगे अगर आप में पब्लिक सर्विस का जज्बा है आवाम की खदमत करना चाहते हैं इस मुल्क को कहीं ले जाना चाहते हैं कुछ मिशन कोई विजन है तो देन दिस इज अ प्रोफेशन फॉर यू तो फिर इसको करियर बनाइए अदरवाइज खुदा के वास्ते और कोई काम कीजिए आपकी कतअअ जरूरत नहीं है यहाँ पर मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे हमारे ऑफिसर्स ने हमारे प्रोबेशनर्स ने डाली हुई हैं कि जी आप इस जॉब पे आएंगे तो आपको क्या मरात मिलेंगी आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे क्या कमराहत मिलेंगी आप एएसपी बनेंगे क्या मराहत मिलेंगी दुरखा तो कितनी होगी गाड़ियाँ कितनी होंगी ये सब ग़लत बताया जा रहा है आपको ये सिर्फ गाड़ियों के लिए पैसों के लिए पैसे कमाने के लिए इज्जत के लिए अपने आप को मशहूर करने के लिए नहीं है ये असल है अवाम की खदमत के लिए वो जज्बा सबसे पहला होगा आप अपने तमाम जज्बात में देख लें अगर वो जज्बा डोमिनेट कर रहा होगा आपके तमाम बाकी जज्बों को तो फिर ये सी एस एस की तैयारी शुरू करें अगर वो जज्बा आप में नहीं है और आप किसी और चीज़ की ख्वाहिश लेके आ रहे हैं तो खुदा के वास्ते कोई और काम करें आपके यहाँ आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये मेरी आपसे गुजारिश है अगर आप ये जज्बा है तो फिर नेक्स्ट सवाल होगा कि अब मैं क्या करूँ तो उसके लिए फिर आप मेहनत करें उसके लिए मेहनत करने के तरीके हैं आप खुद स्टडी करें मजमून क्या सिलेक्ट करने हैं अपने आप को कैसे तैयार करना है उसके अंदर आप देखें कि आप वो तमाम जरा इलम हासिल करने के अपनी शख्सियत को अच्छा करने के लिए कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं आप बात करें प्रोबेशनर से जो आपसे पहले जो अपियर हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपने कहाँ जाना है कौन सी लाइब्रेरीज़ में जाना है किन लोगों से मिलना है इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है किताबें क्या और पढ़नी है सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट करने हैं आपने मशवरे के लिए किन किन लोगों से किन किन इदारों से बात करनी है वो आप तमाम चीज़ें करेंगे लेकिन वो तमाम चीजें तब पॉसिबल होंगी कि आप खुद पहले क्लियर हो कि ये सिर्फ नौकरी नहीं है मराद के लिए नहीं जाना वो क्लियर हो जाएंगे तो बाकी फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा आपकी मेहनत है जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उतनी मदद करेगा और आप इनशा तला इस नौकरी में आएंगे कुछ करने के लिए सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं बस मैंने इतनी सी बात करनी थी अल्लाह uh, uh, ताला आपका और नासर हो और ताला होप टू सी यू इन द सिविल सर्विस एकेडमी इन द नियर फ्यूचर वेर आई विल बी देयर दियर ताला अल्लाह की मर्जी शामिल रही तो और आप भी होंगे हम पे कुछ ए, जो पब्लिक सर्विस है इसके बारे में इसके विजन के बारे में मिशन के बारे में बात करेंगे उसके लिए लेकिन आपको पहले सी एस एस करना ज़रूरी होगा टू गेट टू दैट मिशन थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम होप टू सी यू बाय बाय